अयोध्या से है जहाँ लखनऊ घूमने आई महिला से लूट, महिला से लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश हुए फरार। खबर लखनऊ से है, अयोध्या से आई हुई महिला से लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम 112 पर मांगी मदद। 22 सवार बदमाशों ने 2 दिन में 2 वारदातों को दिया अंजाम। ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में महिला से हुई लूट की वारदात। नई दिल्ली में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। अमित शाह से मिले जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी। लिंचिंग और हेट स्पीच के मामले में गृह मंत्री ने कार्रवाई का दिया भरोसा। डेलीगेशन ने इस मुलाकात में 14 मुद्दे उठाए। नई दिल्ली में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। अमित शाह से मिले जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी। लिंचिंग और हेट स्पीच के मामले में गृह मंत्री ने कार्रवाई का दिया भरोसा। डेलीगेशन ने इस मुलाकात में 14 मुद्दे उठाए। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, जहां पर उन्होंने 14 मुद्दे उठाए हैं। अमित शाह से मिले जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी। लिंचिंग और हेट स्पीच के मामले में गृह मंत्री ने कार्रवाई का दिया भरोसा। डेलीगेशन ने इस मुलाकात में 14 मुद्दे उठाए। लखनऊ में दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला। गिरफ्तारी के प्रयास में मजदूरों ने किया पुलिस पर पथराव। खबर लखनऊ से है। पथराव पर सादे कपड़ों में पहुंची पुलिस जान बचाकर भागी। कानपुर प्रयागराज हाईवे पर पूर्व विधायक की बगिया में बने कमरों पर दबिश देने पहुंची थी पुलिस। बगिया में किराए पर रह रहे 2 बदमाशों की गिरफ्तारी करने पहुंची थी पुलिस। आरोपी के साथ थी अकबर ने स्थानीय पुलिस को दी लूटपाट की तहरीर। इनायत और सलीम पर दर्ज है दर्जन भर से अधिक मुकदमे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद कलीम, क्या कुछ है पूरा मामला, हमारे दर्शकों को बताइए किस तरीके से मजदूरों ने पुलिस पर हमला किया है। लखनऊ और फतेहपुर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लखनऊ की जो हसनगंज पुलिस है वो दबिश देने के लिए कानपुर प्रयागराज बने हाईवे के पर जो पूर्व विधायक हैं उनके बगिया पर पहुंची थी, जिसमें इनायत और सलीम को गिरफ्तार करना था, जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए जब टीम पहुंची थी तो जो कहा जा रहा है स्थानीय पुलिस के द्वारा कि लखनऊ पुलिस ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी और उन लोगों को उठा लिया था। जब वो लोग लेके निकल रहे थे 3 गाड़ियों से पुलिस पहुंची हुई थी, सिविल ड्रेस में थी, लेकिन जब शोर शराबा सुना गया तब वहां पे जो मजदूर लोग थे उन लोगों ने एकाएक पथराव शुरू कर दिया। इस पथराव में पुलिस की 2 गाड़ियां तो निकल आई, लेकिन जो 1 गाड़ी थी वो वहीं पर छूट गई, जो काफी क्षतिग्रस्त हुई। जब इस मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को लगी तो वो मौके पर पहुंची, तब मालूम हुआ कि ये लखनऊ पुलिस है, जिसमें जो सीओ है, सीओ ने इस मामले में बताया है कि जो पुलिस थी लखनऊ की वो यहाँ पे दबिश देने आई थी, लेकिन कोई भी सूचना नहीं दी गई, जिसको लेकर के ये हादसा भी हुआ। फिलहाल जिस तरीके से पूरी जानकारी आई है, जानकारी ये है कि एक गुटबर से जुड़ा हुआ पूरा मामला है, क्योंकि जो स्थानीय इंस्पेक्टर है उनका कहना है कि जो गाड़ी वहां पे पुलिस कस्टडी में गई थी, जब पथराव हुआ था, जो क्षतिग्रस्त हुई है, उसमें से पुलिस को कुछ कागज मिले थे, जिससे साफ जाहिर हुआ कि ये पुलिस की गाड़ी है और उसमें घटना से जुड़े हुए कागज भी मिले। फिलहाल जिस तरीके से घटना हुई है, घटना में कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही भी देखी गई, क्योंकि जिन बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी वो बदमाश भी पुलिस गिरफ्त से दूर हो गए। फिलहाल जिस तरीके से जो उनका एक साथी था उसने लखनऊ पुलिस पर लूट का आरोप भी लगाया, लेकिन इस मामले को नकारा गया है, क्योंकि जो सीओ फतेहपुर है उन्होंने कहा है कि जो लूटपाट की घटना कही गई है वो सरासर गलत है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि स्थानीय पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई, जिसके कारण ये घटना भी हो गई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद कलीम। लखनऊ में यासान बिल्डर पर ठगी का केस हुआ दर्ज।
लखनऊ से है जहां यासदान बिल्डर पर ठगी का केस दर्ज हुआ है। अलाया हेरिटेज अपार्टमेंट में फ्लैट बुकिंग के नाम पर लिए लाखों रुपए। बड़ी खबर लखनऊ से है, आपको बता दें नजूल की जमीन पर बना हुआ था यासदान बिल्डर का अलाया अपार्टमेंट। चारबाग निवासी राजेश कुमार सिंह ने दर्ज कराया लाखों की ठगी का केस। निदेशक फहाद यासदानी और उनकी पत्नी शरीन फहाद पर केस। हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ यासदान बिल्डर पर लाखों रुपए की ठगी का केस। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद कलीम, एक बार फिर से यासदान बिल्डर सुर्खियों में है, एक बार फिर से उन पर ठगी का केस लगाया गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? तो इस मामले यासदान जो बिल्डर है, इस पर पहले भी कई केस दर्ज हुए हैं और इसको एलडीए के द्वारा ध्वस्त भी किया जा चुका है। लेकिन जब एक अभी नया मामला जो दर्ज हुआ है, उसमें अभी जो कहा जा रहा है, जो पुलिस का आरोप है कि 68 लाख रुपए में उसने उस मकान को जो वहां से फ्लैट पर को बुक कराया था, लेकिन वो जब उसने उसकी जानकारी की तो ये नजूल की जमीन निकली। जिसके बाद इसका जो आरोप है कि इसके द्वारा जब अपने ये रकम वापस मांगी जा रही थी तो उसको रकम वापस नहीं लौटाई गई, जिसको लेकर इसने मुकदमा भी दर्ज कराया। इस मामले में अगर ज्यादा कुछ जानकारी की बात किया तो जो पुलिस के द्वारा बताया गया है कि चारबाग के एपिसेन रोड स्थित 84 अपार्टमेंट में राजेश कुमार सिंह रहते हैं, उन्होंने यह मुकदमा लिखाया है। उनका जो आरोप है कि जो इसके यादान है, इसके जो निदेशक है भोपाल हाउस निवासी फहाद यासदानी और जो उनकी पत्नी है और उनके जो साथी है, उन्होंने इनकी जो मुलाकात कराई थी तब इन्होंने उस फ्लैट को लिया। लेकिन इनका कहना है कि इस फ्लैट को लेने के लिए उन्होंने अपना एक मकान बेचा और लोन लिया था, लेकिन अब इनके रुपये भी सब डूब गए और जो पूरा अपार्टमेंट था वो भी ध्वस्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस मामले में जो बात कही जा रही, क्योंकि जो नजूल की जमीन पे पूरा बना हुआ था और पूरा वो ध्वस्त भी हो गया, तो अब जो ये मुकदमा दर्ज हुआ, ये मुकदमा भी उसी मुकदमे में पुलिस अटैच करेगी और इस मामले की और कार्रवाई करेगी। फिलहाल इसमें कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई भी कर रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद कलीम। निकाय चुनाव में फिर पेंच फंसने के आसार, बड़ी खबर आपको बता दें। नगर निकाय आरक्षण को लेकर आज फिर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने नोटिस जारी किया। पिछड़ा वर्ग आयोग की पूरी रिपोर्ट कोर्ट में तलब। हाईकोर्ट ने कल दोनों पक्षों की जिरह सुनी। निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में हुई लंबी सुनवाई। जस्टिस राजन राय और मनीष कुमार की बेंच ने सुनवाई की है। हाईकोर्ट ने आरक्षण का पूरा रिकॉर्ड तलब किया। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, एक बार फिर से निकाय चुनाव का जो पेंच है वो फंसने के आसार दिख रहे हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी इसको लेकर? नंदनी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनाव एक बार फिर उस पर कहीं ना कहीं पेच फंसते हुए नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरक्षण का पूरा रिकॉर्ड को तलब किया है। साथ ही साथ हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नोटिस जारी किया है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की जो पूरी रिपोर्ट कोर्ट में तलब की गई है और आज हाईकोर्ट दोनों पक्षों की अगर देखे तो जिस तरह सुनी गई है, साथ ही साथ निकाय आरक्षण को लेकर आज फिर सुनवाई होनी है। निकाय आरक्षण को अगर बात की जाए तो लंबी सुनवाई हुई, जिसमें अगर बात करें तो जस्टिस रंजन रॉय और मनीष कुमार की बेंच ने सुनवाई की और हाईकोर्ट ने आरक्षण को पूरा रिकॉर्ड को तलब कर लिया है। अब आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने आरक्षण की सूची जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा था कि राज्य सरकार आरक्षण की अंतिम सूची मिलते ही, अंतिम जो सूचना है उसको मिलते ही नगर निकाय सामान्य निर्वाचन कराने के अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की तरफ से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में आरक्षण की अंतिम सूचना प्राप्त होने के बाद प्रदेश के नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। लखनऊ में बीजेपी का स्थापना दिवस आज। बीजेपी का आज स्थापना दिवस है, पार्टी दफ्तर में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम।
खबर लखनऊ से है। आपको बता दें कि सीएम योगी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीजेपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी कार्यालय में कई कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी रहेंगे मौजूद। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह रहेंगे मौजूद। आज से सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी पार्टी। बीजेपी स्थापना दिवस से आज साप्ताहिक न्याय दिवस मनाएगी। पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यक्रम आयोजित होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और आज से ही बीजेपी जो है न्यायिक सप्ताह दिवस मनाएगी। जी नंदनी, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने स्थापना दिवस का 43वां स्थापना दिवस मनाएगी। आपको बताया कि पार्टी की स्थापना अगर बात करें तो 6 अप्रैल 1980 को हुई थी और स्थापना दिवस के मौके पर अगर बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 9 बजे वहां पार्टी दफ्तर पर जो पार्टी का झंडा है उसको फहराएंगे। साथ ही साथ आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो बीजेपी के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कार्यकर्ता है उनको संबोधित करेंगे और साथ ही साथ एक अगर देखा जाए तो जो तमाम प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो जन जन तक जाकर सामाजिक न्याय सप्ताह के तहत आज से और आने वाले 14 अप्रैल यानी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन तक सामाजिक न्याय सप्ताह चलाएगी। इसमें अगर बात करें तो हर वर्गों से जाकर बात करना, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों को बताना लक्ष्य होगा। साथ ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के द्वारा आज पार्टी मुख्यालय पर जो प्रदेश मुख्यालय है वहां पर झंडा फहराया जाएगा और इस दौरान कई दिग्गज नेता भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि 1980 के में गठन के बाद 2 सीटों से आज कहीं ना कहीं देखे 9 सालों से केंद्र में, साथ ही 6 सालों पूरे हो गए प्रदेश के अंदर में, इन सभी उपलब्धियों पे बात करके और कहीं ना कहीं आगामी जो चुनाव है उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। निकाय चुनाव में ट्रांसजेंडर के आरक्षण का ये पूरा मामला है। किन्नर समाज ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम चिश्ती ने किया समर्थन। 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। निकाय चुनाव में ट्रांसजेंडर के आरक्षण का ये मामला। किन्नर समाज ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। लखनऊ में शहर में कुत्तों का कहर जारी है। फायरमैन रामविलास को कुत्तों ने काटा। फायर स्टेशन इंदिरा नगर में रहते हैं रामविलास। रामविलास मौजूदा वक्त में पुलिस हेडक्वार्टर में कर रहे हैं ड्यूटी। लखनऊ में एक बार फिर से कुत्तों का कहर देखने को मिल रहा है। इवनिंग वॉक के दौरान एक पालतू कुत्ते ने उन पर हमला किया। फायरमैन के परिजनों ने शेखर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कराया भर्ती। गाजीपुर थाना क्षेत्र के लेखराज डॉलर के सामने की ये पूरी घटना है। लखनऊ में रजिस्ट्री के लिए विभिन्न अनुभागों के नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर। आज से सिंगल विंडो प्रणाली के अंतर्गत सुचारू होगी व्यवस्था। एलडीए के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जनहित में जारी किए आदेश। प्राधिकरण भवन के भूतल पर बने काउंटर नंबर 7 एवं 9 पर रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकेंगे आवंटी। एलडीए की योजनाओं में संपत्ति खरीदने वाले आवंटियों को मिलेगी राहत। रजिस्ट्री के लिए विभिन्न अनुभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, अब रजिस्ट्री के लिए देखिए अनुभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। देखिए नंदनी, मैं अब आपको बता दूं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुलबलैया के तरफ दफ्तर बने हुए हैं
और जो जो भी आवंटी थे अपने रजिस्ट्री के लिए जाते थे वो इधर उधर चक्कर लगाया करते थे, कभी इस काउंटर कभी इस खिड़की के कभी इस कमरे में उनको चक्कर लगवाया जाता था, जिसके लिए साफ तौर पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने ये जनहित में ये आदेश जारी कर दिया है कि प्राधिकरण में जो भवन बना हुआ है उस भवन के भूतल पे काउंटर नंबर 7 और 9 पर रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो एक चिन्हित कर दिया गया जगह जिसे अब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, सिंगल विंडो प्रणाली के अंतर्गत इस तरीके की व्यवस्था को लागू किया गया है जिससे जो आवंटी है उनको लाभ मिलेगा, उनको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण की योजनाओं में कोई भी संपत्ति खरीदने वाले जो आवंटी होंगे उनको रजिस्ट्री के लिए विभिन्न अनुभागों के अब चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवंटी अब सिंगल विंडो प्रणाली का लाभ उठाते हुए जो वहां का निर्धारित काउंटर है उस पर रजिस्ट्री के लिए प्रार्थना पत्र अपना प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसके बाद वहां संबंधित योजनाओं के अधिकारी और स्वयं उनको उनसे संपर्क स्थापित करेंगे, उनसे मिलेंगे और समयबद्ध तरीके से निबंधन की कार्यवाही करते हुए उनकी रजिस्ट्री का कार्य किया जाएगा। इसके जो अपर सचिव हैं ज्ञानेंद्र वर्मा, उन्होंने ये जानकारी दी है कि प्राधिकरण द्वारा आवंटित संपत्तियों की रजिस्ट्री कराने के लिए अब आवंटियों को कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता है। इस दौरान आवंटी को विभिन्न अनुभागों में जाकर रजिस्ट्री के संबंध में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब आवंटियों को इस तरह की समस्याओं से ना जूझना पड़े इसके लिए प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने रजिस्ट्री के लिए सिंगल विंडो प्रणाली लागू करने का आदेश दे दिया गया है, जो कि भूतल पर बने काउंटर नंबर 7 और 9 पर अपनी संपत्ति के रजिस्ट्री के संबंध में आवेदन या प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। ये रितेश, बने रहिएगा आगे हमारे साथ, हम आपसे अधिक जानकारी और लेंगे। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर यूपी में अलर्ट, त्योहारों के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों को कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। हनुमान जन्मोत्सव को लेकर अलर्ट जारी है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर होगी पैनी नजर। राज्य सरकारों को निर्देश, प्रदेश सरकारें कानून व्यवस्था रखे सुदृढ़, हर प्रकार के तत्वों पर रखे नजर, गृह मंत्रालय ने कहा। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता रितेश जुड़ेंगे। रितेश, हनुमान जन्मोत्सव को लेकर देखिए पूरी जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाँ जी नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि हनुमान जन्मोत्सव पर जो राज्य सरकार है उनको शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश जारी किया गया है और यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि किसी भी प्रकार से कानून जो सौहार्द है बिगड़ने ना पाए, कहीं भी समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले जो तत्व है उन पर नजर रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये जारी कर दिया है आदेश भी और निर्देश में अपने कहा है कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकारें हैं वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, त्योहार के दौरान शांति कायम करने के लिए और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की आशंका वाले हर प्रकार के कारकों पर नजर रखने के लिए पूरा निर्देश दिया गया है। ये स्पष्ट करते हुए मंत्रालय ने ये भी निर्देश जारी किए हैं, ये भी कहा है कि रामनवमी में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल और बिहार में हिंसा भड़की थी उसको देखते हुए इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी में त्योहारों के मद्देनजर पहले से ही अलर्ट किया जा चुका है। हनुमान जयंती को लेकर सामान्य अलर्ट भी जारी हुआ है। जो स्पेशल डीजी है कानून व्यवस्था एवं अपराध के प्रशांत कुमार, उन्होंने ये बताया है कि सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल कहीं भी सौहार्द न बिगड़ने पाए, कहीं भी अराजकता न फैलने पाए, इसके लिए पुलिस का कड़ा पहरा होगा और सोशल मीडिया पर भी पूरी तरीके से निगाह रखी जाएगी। किसी भी प्रकार का भड़काऊ भाषण या किसी प्रकार का आपत्तिजनक टिप्पणी किसी चीजों को लेकर के उस पर पुलिस की पहली नजर होगी। जो साइबर सेल है वो भी एक्टिव कर दिया गया है। आज हनुमान जयंती को लेकर के पूरे देश में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जा रहा है, जिसको लेकर के केंद्र सरकार की जो गृह मंत्रालय है उन्होंने राज्य सरकारों को साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है किसी भी तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखें, आपसी सौहार्द बिगड़ने ना पाए। नंदनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। सीएम योगी आज कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास व लोकार्पण, 8731 करोड़ की 2029 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कार्यक्रम में होंगे शामिल। ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा भी रहेंगे मौजूद। राज्य मंत्री राकेश राठौर भी रहेंगे मौजूद। वहीं
विशाखा सभाघर नगर विकास निदेशालय गोमती नगर में ये कार्यक्रम होगा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।